कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को उड़ीसा में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2024 अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी बीजेडी पर भाजपा के साथ पार्टनरशिप कर राज्य सरकार चलाने का आरोप लगाया। केंद्रपाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सालीपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेडी और भाजपा एक साथ हैं, जबकि वे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वे यानी बीजेडी और बीजेपी वैवाहिक रिश्ते में हैं। आप इसे शादी कहें या साझेदारी, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों साथ हैं। उड़ीसा में आखिरी चार चरणों में यानी 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के चाचा और नवीन बाबू ने हाथ मिला लिया है। उन्होंने मुट्ठी भर अरबपतियों को लाभ सुनिश्चित किया है, राज्य अडानी को दे दिया गया है, जबकि उन्होंने लोगों को पान यानी पटनायक के सहयोगी वीके पांडियन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें दे दिया है, जिसका मतलब है कि पांडियन राज्य चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी दिल्ली में 22-25 अरबपतियों की सरकार चलाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पटनायक मुट्ठी भर लोगों की सरकार चलाते हैं जो मुनाफा कमाते हैं। राहुल गांधी ने फरवरी में राज्य से गुजरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेडी और बीजेपी राज्य में बड़े पैमाने पर घोटालों में शामिल है। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने आपकी संपत्ति चुरा ली है, राज्य के खनिज संसाधन आपकी संपत्ति है, लेकिन 9,00,000 करोड़ रुपए के खनिज संसाधन की लूट हुई है। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की जमीनें हड़पी हैं और 15,000 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण घोटाला किया है। राहुल गांधी ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि उड़ीसा और दिल्ली में सरकार बनते ही लोगों के पैसे लौटाना शुरू कर देगी। तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले भारत राष्ट्रीय समिति यानी BRS और भाजपा कुछ लोगों के लाभ के लिए तेलंगाना में पार्टनरशिप सरकार चला रहे थे, लेकिन जैसे ही हम आए हमने तेलंगाना के लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया। आप भी सुने राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण में क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस। अलग अलग प्रदेश हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग इतिहास है, हिस्ट्री है, कल्चर है, और हर जगह का अपना एक प्रकार से एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। आज हिंदुस्तान के चुनाव में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हर जगह की जो पहचान है, जो कल्चर है, हिस्ट्री है, भाषा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए और हर प्रदेश को या हर जगह को उसी जगह के लोग, उनकी तमन्ना, उनके दिल से जगह चला जाए। और बीजेपी कहती है, RSS कहती है, नहीं, एक देश, एक भाषा और एक लीडर, यह लड़ाई है। अब आपकी मुसीबत यह है कि यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के ऊपर बैठा रखा है। पहले यहां पे इस किले में राजा बैठते होते थे, अब वैसे ही प्रफुल्ल पटेल यहां के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो यहां के राजा हैं, राजा, किंग। और राजा को दिल्ली से बैठाया गया है और राजा को कहा गया है कि तुम राजा हो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, घर तोड़ने घर तोड़ दो, लोगों को तंग करना है तंग करो, जो भी करना है खुली छूट है, दिल खोल के करो। और प्रफुल्ल पटेल जी यहां के राजा, जो मन में आता है वो करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते रहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि नहीं भाई, ये तो हमारे साथ हो रहा है सिर्फ, मगर ये पूरे देश में हो रहा है। आप सोचिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है, बंगाल में बंगाली, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक देश एक भाषा। अब तमिल लोग कह रहे हैं कि भैया एक भाषा कैसे, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है,
गुजरात में गुजराती बोली जाती है, एक भाषा कैसे, एक नेता कैसे? तो यह विचारधारा की लड़ाई है। और अगर हम नींव की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो फर्क यह है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। और जो हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिया, उसकी रक्षा हम कर रहे हैं। और वो उनका लक्ष्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको खत्म किसी ना किसी तरह, आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए। संविधान से क्या क्या निकला मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोग, सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना, आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें यह चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। जो यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो एक ही सिस्टम है। अब यहां पे फर्क है कि यहां पे उनको बैठा रखा है और उनका जो है प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी जितना कंट्रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है मैं बताता हूं आपको, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, सारे के सारे जो संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकला। सबसे पहले सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलेगा, उसके बाद लोकतंत्र, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकले। कॉन्स्टिट्यूशन नींव थी, बीज था, और उसमें से ये चीजें निकली। अब ये लोग चाहते हैं कि इसको नष्ट किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनको खत्म किया जाए, और आरएसएस और बीजेपी के राजाओं को देश के राजा बना दिया जाए। अब देखिए, आप मैं आपको बताता हूं, देखो आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो, हिंदुस्तान की जो शिक्षा का सिस्टम है उसमें आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो, सारे के सारे आरएसएस के आदमी हैं, उनको शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम, कर सारों को यूनिवर्सिटीज में सारे आरएसएस के राजा बैठा दिए। तो ये काम किया जा रहा है और इससे नुकसान आपका होगा, आपको तो मालूम है, आपको तो शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया ये प्रफुल्ल पटेल जो राजा बैठा है, जो यहां पे पहले 70 साल 80 साल पैसे पहले जो होता था आज हो रहा है। अगर मैं ये देश को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये प्रफुल्ल पटेल इन्होंने यहां बैठा रखे, बाकी देश में भी ये यही करने जा रहे हैं। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं, जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं। आप कहोगे ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आपका सुंदर बीच है, जो आपकी इतनी सुंदर लोकेशन है, इस किले पे अदानी जी का नाम लिख दिया जाए। वो चाहते हैं कि इस बीच पे अगर टूरिस्ट आए तो आपको फायदा ना हो, बीच पे साइन हो अदानी बीच, आपके एयरपोर्ट पे अदानी का नाम हो, आपके हाईवे अदानी बनाए, जो भी यहां बिके वो अदानी और अंबानी बेचें,
और आप लोग बस देखते रह जाओ। और ये इन्होंने पूरे देश में किया। मैं दो तीन उदाहरण देता हूं आपको। हिंदुस्तान के 22-25 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है बेटा? हाँ, जो लाल शर्ट पहने हो, जानते हो 16 लाख करोड़? हाँ, तुम जानते हो 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है? जानते हो? हाँ, तुम्हीं से बोल रहा हूं, जानते हो कितना होता है 16 लाख करोड़ रुपया? मैं बताता हूं, 25 साल मनरेगा में जितना भी पैसा लगा, 25 साल अगर आप वो पैसा ले लो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का कितना माफ किया? एक रुपया नहीं माफ किया। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका कितना कर्जा माफ किया? एक रुपया नहीं किया। छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, किसको फायदा हुआ? यहां पे एक आदमी नहीं है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ। अदानी, अंबानी, आप मुझे बताओ, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ है? ना। एक आदमी है यहां पे जिसको जीएसटी से फायदा हुआ? ना। अब देखिए, मजे की बात देखिए, आप शर्ट खरीदते हो, ये भैया आपने शर्ट कितने की खरीदी? हाँ, आपने कितने की खरीदी है? अरे भाई, आपसे पूछ रहा हूं, सफेद वाला। हाँ, कितने की खरीदी? 200। अब देखो, लड़के ने 200 रुपए की शर्ट खरीदी, 18% जीएसटी लगा, इसके जेब से निकला। अगर अदानी अरबपति यही शर्ट खरीदता तो वो भी 18% टैक्स देता। मतलब जितनी टैक्स आप देते हो उतनी अदानी देता है। आमदनी इनकी हजारों में, उनकी हजारों करोड़ रुपए में, टैक्स जितना आप उतना वही। और टैक्स कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हो, किसान दे रहा है, मजदूर दे रहा है, बेरोजगार युवा दे रहा है। और पैसा कहां जा रहा है? उन्हीं दो तीन लोगों के जेब में। आप जानते हो उन्हीं के जेब में आपका पैसा जा रहा है। तो हमने निर्णय लिया कि अगर ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी 20-25 अरबपति बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। तो आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है? आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं आपको, मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो प्रफुल्ल पटेल को ना हम यहां से आउट करके 2 मिनट में, और जो उसने यहां पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया ना, जो पूरा भ्रष्टाचार किया है, घर तोड़े हैं, उसका पूरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे। सबसे पहला वो होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको। खुश करने आया हूं आज मैं, यहां मूड ठीक करने आया हूं। जो मोदी जी ने, अंकल जी ने आपका मूड खराब कर रखा है वो मैं ठीक करने आया हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, हिंदुस्तान के सब गरीबों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी, करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी, और हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अब आप पूछो क्या होगा, पूछो क्या होगा, मैं बताता हूं। उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल देंगे, हर महीने 8,500 रुपए, खटाखट खटाखट, 1 तारीख को खटाक 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 खटाक। आप जानते हो यहां महिलाएं बैठी हैं, 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, जॉब दोनों करते हैं, मजदूरी दोनों करते हैं, सही करते नहीं करते? ठीक है, अब 8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है, 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है, मिलता नहीं मिलता है? मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? आप 8 घंटा काम करते हो, वो जो बैठी हुई है वो 8 घंटा बाहर करती है, 8 घंटा घर में करती है, 16 घंटा वो काम करती है, मगर जो घर में काम करती है उसके लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाएगा। वो उससे आपका भी फायदा होगा, ये मत सोचिए कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, मगर महिला के बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए साल का डालेंगे। तो ये हो गई पहला कदम, करोड़ों लाखपति का पहला कदम। अब मैं आपको दूसरा कदम बताता हूं। यहां पे मुझे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया है, प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत सारी यहां पे नौकरियां खत्म की हैं, मुझे दिख रहा है, ये देखो हां दिख रहा है। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले, अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है, उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं,
मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है, बट वो अलग बात। तो वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, एक साल की अप्रेंटिसशिप होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, सैलरी मिलती है, और फिर उसके बाद एक साल की टेम्परी, छह महीने की टेम्परी नौकरी करने के बाद उनको परमानेंट नौकरी मिलती है। मगर हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको यह मौका नहीं मिलता। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूं यहां, अब मिलेगा। अब हमने सीधी सी बात रखी है, हिंदुस्तान का कोई भी ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी, उसको हम एक अधिकार देने जा रहे हैं। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, गांव में काम का अधिकार दिया था, अब हम पूरे हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अधिकार देने जा रहे हैं। अधिकार का मतलब अगर आपने मांगा उसको पूरा करना पड़ेगा, कानून है। अगर आपने मांग लिया तो सरकार को देना ही पड़ेगा। अब क्या देंगे बता रहा हूं आपको, अप्रेंटिसशिप मिलेगी, एक साल की अप्रेंटिसशिप होगी, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिस में, सरकारी अस्पतालों में, एक साल की पहली नौकरी पक्की। मतलब कोई भी बेरोजगार युवा ग्रेजुएट कह सकता है, भैया हाथ उठा के कह सकता है मुझे अपना अधिकार चाहिए। जैसे ही वो कहेगा सरकार कहेगी इधर आओ, चलो ये लो, इस प्राइवेट कंपनी में तुम्हें एक साल की नौकरी मिल रही है, उसमें तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, ₹1,00,000 तुम्हारे बैंक अकाउंट में एक साल में घुसेंगे, ₹8,500 महीने के लिए, खत्म। और करोड़ों युवाओं को यह फैसिलिटी दी जाएगी। तो एक तरफ महिलाओं को ₹1,00,000 साल के, ₹8,500 महीने के, और दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग और महीने के ₹8,500 साल के ₹1,00,000। ये हो गए करोड़ों लाखपति बन गए। अब किसान कहेंगे भैया देखो हमें महालक्ष्मी योजना जो महिलाओं का पैसा है उससे फायदा होगा, हमारे बेटियों को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ये तो सब ठीक है, बेटियों को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मगर हमारे लिए आप क्या करने जा रहे हो? तो किसानों से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया, सरकार बनते ही तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सब लोगों को सही दाम मिलता है, कोई गाड़ी बनाता है उसे सही रेट मिलता है, कोई टूथपेस्ट बनाता है उसे सही रेट मिलता है, मगर किसान दिन भर काम करता है, खून पसीना देता है, उसको सही रेट नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। हर किसान जानता है जब उसको धान बेचना होता है, शुगर केन बेचना होता है, गेहूं बेचना होता है, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, उसे सही रेट नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने कानून बनाया है, जैसे ही सरकार आएगी कानूनी गारंटीड किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून बना देंगे कि इस रेट से कम किसान को धान के लिए, शुगर केन के लिए नहीं दिया जा सकता, और अगर किसी ने दिया तो कानूनी कार्रवाई शुरू। मजदूर बचे, मनरेगा के मजदूर, आंगनवाड़ी आशा का जो काम करती हैं वो बचे, मनरेगा आजकल ₹200-250 मिल रहा है, हम मनरेगा को ₹400 करने जा रहे हैं, और जो आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को आज मिल रहा है उसको हम दुगुना कर देंगे। तो मैं आपसे बस ये कहने आया हूं कि जो आपके आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपका कल्चर है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, और उसकी रक्षा प्रफुल्ल पटेल नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। आपको अधिकार मिलना चाहिए, आपको ही अपना सिस्टम चलाना चाहिए, यह नहीं कि आपके ऊपर किसी को बैठा दिया और वो राजा जैसे आप पर राज कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लोग 22-25 लोगों को अरबों रुपए दे सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जितने पैसे इन्होंने 22-25 लोग को दिए ना, हम लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को देने जा रहे हैं। आपने 10 साल 20-25 लोगों का काम किया, अब हम अगले 10 साल जितना पैसा आपने उनको दिया उतना ही पैसा हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को, माता बहनों को देने जा रहे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। मैंने 5 चीजों के बारे में बोला है, मगर उसमें सब लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ सोच कर दिया है। यहां पे मछुआरे बहुत हैं, आपको बहुत नुकसान हुआ है, आपकी बोट ले जाते हैं लोग, तो आपके लिए मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हमने की हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो पहले आपको डीजल की सब्सिडी मिलती थी जो बंद कर दी, उसको हम फिर से चालू कर देंगे। दूसरी बात, जो भी बोट फिशिंग बोट होगी उसका हम आपको इंश्योरेंस देंगे। और तीसरी बात, जो इनलैंड फिशिंग और एक्वीकल्चर है उसको हम एग्रीकल्चर जैसे मानेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। यहाँ पे आप केतन पटेल जी और अजित माला जी को पूरा समर्थन दीजिए, और कांग्रेस पार्टी को जिताइए, जबरदस्त बहुमत से जिताइए। और ये जो हैं यहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर,
इसे भगाइए भाई, 15 मिनट नहीं लगेंगे। और ये सिर्फ भागेगा नहीं, सिर्फ आपसे नहीं भागेगा, ये फिर कार्रवाई शुरू होगी तो आगे पीछे भागेगा। धन्यवाद।